हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 3 है। अभी तक हमने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। जिन लोगों ने वह लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लीज़ उन्हें देख लीजिए। इनमें वह क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं जो अभी तक सीटेट एग्ज़ाम या टेट के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न पत्रों से लिए गए हैं, जो कि आने वाले दिनों में जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम है इसमें आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर 1, बैरोमीटर से। यदि बैरोमीटर की इकाई की बात करें तो वायुमंडल दाब जो मापा जाता है उसकी इकाई हो जाती है बार। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है यहाँ, थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर से मापा जाता है मनुष्यों का ताप, या ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर मेजर किया जाता है। उसके बाद सिस्मोग्राफ दे रखा है, तो सिस्मोग्राफ ऑप्शन नंबर 3 है, जिससे भूकंप की तीव्रता मापते हैं, और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, बीटी कपास है। ठीक है, तो बीटी कपास क्या है, ये हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा, एक ट्रांसजेनिक पौधा हो जाएगा। ठीक है, एक संकरण पौधा हो जाएगा, ट्रांसजेनिक पौधा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। ठीक है, तो जो वायुमंडल में अम्लीय वर्षा होती है उसका मुख्य कारक हो जाएगा, तो स्पेशली कारक होता है उसका SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। और जब क्या होता है, बादल में H2O से क्रिया करता है तो ये बना लेता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 बना लेता है, जिससे क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है। तो आपको याद ये रखना है कि वायुमंडलीय प्रदूषण में अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, SO2, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उष्णकटिबंधी वर्षा वन, जहाँ पर मौसम उष्णकटिबंधी हो, वर्षा वहाँ अधिक होती है, स्पेशली विषुवत रेखा पर आर्द्रता अधिक होने के कारण वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम को पकाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आम को पकाने के लिए स्पेशली प्रयोग किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर, कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ किया जाता है आम को पकाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी बीमारी दूषित जल से फैलती है। तो कौन सी बीमारी दूषित जल से फैलती है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टाइफाइड। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस मीन्स जो हमारे वायुमंडल को गर्म नहीं करती है, तो SO2 स्पेशली मुख्य कारक हो जाएगा जो ग्रीन हाउस प्रभाव का, ठीक है, सॉरी CO2 मुख्य कारक हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है 2nd ऑप्शन, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी वायुमंडली जो टेम्परेचर उसको बढ़ाता है, और CH4 ये भी मैथेन है, ये भी क्या होता है, वायुमंडली टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर हो जाएगा 3, जो कि वायुमंडलीय ताप को नहीं बढ़ाता है। और यही हो जाएगा, क्वेश्चन दिया था कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 कि कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। ठीक है, तो द्विबीजपत्री मतलब एक ऐसे बीज जिसमें से निकलते हैं, जिसको अगर आप काटोगे तो दलहनी पौधों की तरह दो भागों में बीज बढ़ जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा 4, सरसों का पौधा द्विबीजपत्री पौधे के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। ठीक है, या ये बोल सकते कि जो पौधा है उसमें जल का संचालन किसके द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जाइलम के द्वारा। तो जाइलम के द्वारा जड़ों से अवशोषित करके, जो पृथ्वी से जल अवशोषित करके पौधा अपने विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, और जो फ्लोएम है इसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन फ्लोएम के द्वारा पूरे पौधे में प्रवाहित होता है या बहता है या चलता है। क्वेश्चन नंबर 10,
कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है, ठीक है, ये एक जीएस का क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ऋग वेद, क्या हो जाएगा प्रथम साहित्यिक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडल में 99% किन दो गैसों का विस्तार है, तो आपने पिछला लेक्चर देखा ही होगा, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन है यहाँ पर 78% और ऑक्सीजन की बात करें तो 21% और CO2 की बात करें तो 0.03%। तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% CO2, ठीक है, तो 99% किसका हिस्सा हो जाएगा, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है यहाँ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कार्य की रूप से शुष्क मिट्टी में क्या विशेषता है, ठीक है, कार्य की रूप से शुष्क मिट्टी में क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे, तो आंसर नंबर हो जाएगा थर्ड, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, मतलब वह मिट्टी जिसमें लवण सांद्रता अधिक होगी वो हो जाएगी कार्य की रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता है ये। क्वेश्चन नंबर 14, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, ठीक है, जो स्कूलों में होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से विद्यार्थियों में परीक्षा का आवश्यक भय नहीं रहता, ठीक है, अनावश्यक भय जो होता है बच्चों में वो नहीं रहता है सतत मूल्यांकन करने से। क्वेश्चन नंबर 15, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, तो चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका आंसर, चुनकर चरना, मतलब वो कुछ स्पेसिफिक वनस्पति है जिनको खाते हैं, इसी प्रकार से वनस्पति बदलाव आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16, कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है, ठीक है, स्वस्थ अस्थि मीन्स हड्डियों के लिए आवश्यक है, तो ए बी या सी, मतलब विटामिन के ई सी और डी, तो स्पेशली आंसर हो जाएगा विटामिन डी जो कि हड्डियों में पाया जाता है, तो कैल्शियम और विटामिन डी दोनों आवश्यक हो जाएगा स्वस्थ अस्थियों के लिए या हड्डियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, यह हो जाएगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम हो जाएगा K2, ठीक है, यह है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा 4, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर, कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है तो शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है, ठीक है, तो वायुमंडल में मतलब जो हमारा वायुमंडल है उसको विभिन्न परतों में बांट दिया गया है, तो जो सबसे निचली परत होती है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है, या टोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल हो जाएगा सबसे निचला मंडल, उसके बाद आ जाता है समताप मंडल, और समताप मंडल के बाद आ जाता है मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद बाह्य मंडल, ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार आंसर उन्होंने पूछा कि सबसे निचली परत कौन सी होगी, तो क्षोभ मंडल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट स्कर्वी, ठीक है, और जो बेरी बेरी है विटामिन बी की कमी से होता है, और रतौंधी विटामिन सी की कमी से, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की प्रथम आईपीएस अफसर कौन है, तो भारत की प्रथम आईपीएस अफसर हो जाएगी किरण बेदी, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, असम के प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे
वाला वन्यजीव अभ्यारण कौन सा है? तो असम में प्रसिद्ध है एक सींग वाला गेंडा, इसके लिए वन्यजीव अभ्यारण कौन सा है? तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड काजी रंगा, और स्थित कहाँ पर है? तो असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ठीक है, जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको चार, बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट और ग्रेफाइट, इसमें पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेसाल्ट। क्या हो जाएगा? बेसाल्ट अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ठीक है, तो पृथ्वी के किस वातावरण में ओजोन परत पाई जाती है? तो यह पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, या इसको हम बोलते हैं समताप मंडल। और ऊंचाई कितनी होती है? तो 30 किलोमीटर, मतलब भूमि आधार से 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है ओजोन परत। और स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो ये 20 किलोमीटर से स्टार्ट होती है, तो 50 किलोमीटर तक होती है भू आधार से स्ट्रेटोस्फीयर। और टोपोस्फेयर ये सबसे निचला मंडल हो जाएगा, मिसोस्फेयर ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर के बाद, और आयनोस्फेयर हो जाएगा जो आयन मंडल हम बोलते हैं, ये आता है मिसोस्फेयर के बाद। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपका हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें पाई जाती है ओजोन, और कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? तो 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, ये एक जीएस का क्वेश्चन आ गया यहाँ कि सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन से? तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा इसका, गुरु नानक देव। क्वेश्चन नंबर 26, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है? तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सेकेंड सिस्मोग्राफ। कौन सा हो जाएगा? सिस्मोग्राफ, जिससे भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर को, क्योंकि 22 दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, तो 22 दिसंबर को ही दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 28, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश? तो ये एक पत्र है, और ये लिखा है या पत्रिका है स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू हो जाएगा असम राज्य का लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 30, कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, तो खाद्य जाल कहा जाता है। तो मित्रों, आज के लेक्चर में इतने 30 क्वेश्चन ही रहेंगे, तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं स्पेशल 50 क्वेश्चन के साथ। तो यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।